अभी सीधा एक्सेल रूम के अंदर। सो ये वो जगह है जहाँ से मैं गिरा, और ये रहा वो किला, देख रहा है आपको, ये ऊपर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेरा जूता ऐसा अटक गया नीचे जाते वक्त, और मैं लुढ़कते हुए नीचे गया और वहाँ पर जाके मेरा सर टकरा गया। पर ये सब तो चलता ही रहता है। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे रिब्स का एक्सरे निकालने के लिए, क्योंकि उठने बैठने में, खाना खाने में और हाथ हिलाने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला कि जाओ अपना एक्सरे निकलवा लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सरे निकालने के लिए कि ज़्यादा कुछ फ्रैक्चर वैक्चर ना हो गया, और ऐसा तो लग नहीं रहा है। सेफ्टी ही अच्छा रहेगा अगर सेफ रहेंगे तो, और अगर कुछ ज़्यादा रहा तो बेड रेस्ट पे चला जाऊँगा मैं कंप्लीट, इससे ज़्यादा व्लॉग्स बना नहीं पाऊँगा। अभी मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोग को अपडेट कर दूँ, बट कैसे हैं आप लोग सब। हाय गाइस, रोहन वर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत प्यार। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग सेफ हैं। और अभी मैं और रेशमा हम लोग जा रहे हैं, रेशमा आई नहीं, अरे मेरा कैमरा तो मैं और रेशमा, रेशमा हेलो, हम लोग दोनों जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आउच, ये घुटने में भी चोट आई है। तो कल रात मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी, उन्होंने ऑनलाइन ही फेस टाइम पे सब देख लिया, मूवमेंट करा के मेरा। दर्द तो है यहाँ पर वेस्ट पे, लाइक हिप्स पे, और यहाँ पर भी रिब्स पे, बट यहाँ जो रिब्स है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि मैं गिरा ना ऐसे, तो यहाँ पर ज़्यादा दर्द है। तो अभी जा रहे डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं मतलब रेडियोलॉजिस्ट है, और वहाँ पर MRI और एक्सरे करवाने के लिए, बट अभी MRI के लिए बोला नहीं है, अभी सिर्फ बोला है कि एक्सरे करवा के देख लो कि कुछ सीरियस तो नहीं है, कुछ फ्रैक्चर तो नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा ऐसा कुछ फ्रैक्चर है, ऐसा लग रहा है कुछ मसल टेयर हो गया है, तो आराम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, जाते हैं सीधा रेडियोलॉजी सेंटर पे। और अगर आपको पता नहीं तो 3 दिन पहले मैं अपना हाउ आई शूट माई बी रोल वो वीडियो शूट कर रहा था, और वो शूट की मेरे वीडियो, बट उसका जो एडिटिंग पार्ट मैं शाम को शूट करने वाला था, बट उसके बीच में मेरी रेगुलर जो मेरा काम रहता है वो था, मैं अपना जॉब कर रहा था ऑनलाइन, और मुझे आदत है नीचे जाके चेक करना कि नीचे जो खरगोश हैं, जो गिलहरियाँ हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही थी नीचे हमारे डेक के वहाँ से। तो मैं जैसे ही वहाँ से नीचे वॉक करके जाने लगा था तो मेरा पैर ट्रिप हो गया वो खिल्ले पे लग के, और मैं सीधा नीचे गिर गया, मतलब कि पूरा लेफ्ट साइड पे ना चोट आई है, मेरे हिप्स पे, मेरे लेफ्ट नी पे, शोल्डर पे, यहाँ रिब्स पे तो बहुत ज़ोर से लगा है, क्योंकि यहाँ शोल्डर पे इम्पैक्ट आया तो उसकी वजह से पूरा मेरा रिब्स दब गया, और यहाँ पर भी हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो गई थी, बट कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता रहता है ऊपर नीचे। अभी जाते हैं रेडियोलॉजी सेंटर, एक्सरे निकलवाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। होपफुली सब कुछ पॉजिटिव हो, कुछ फ्रैक्चर ना हुआ हो, एक हफ्ता आराम करने के बाद वापस मैं काम पे जा सकूं, बस यही प्रे करता हूं। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं, और बाकी का जो भी फुटेज है मैं अपने फ़ोन से या गोप्रो से शूट करूँगा, तो अब मैं सीधा अंदर ही मिलता हूँ आप लोगों को। तू भी आ रही है? आ जाती हूँ ना। नहीं नहीं, हेल्प चाहिए, बैठ, नहीं तू बैठ इधर। फोटोमार्क फिजिशियंस, हाँ अभी हाथ तो लगाना ही पड़ेगा कुछ भी।
योर वॉलेट। So this is just the self-pay form, okay? Okay. Do the highlighted on those, and then I'll take all your stuff when you come back. तो अभी ये जीन्स जीन्स जैकेट उतारना है और इनका गाउन पहनना है। चलो ऑलरेडी ये पहन लिया मैंने गाउन, अभी सीधा एक्सेल रूम के अंदर मैं फ़ोन रख के जा रहा हूँ, बाद में आकर आपको मिलता हूँ। तो एक्सरे तो हो गया, अभी सीधा घर पे जाते हैं, कुछ खाते हैं। बहुत टाइम लग गया क्योंकि अंदर मेरे से पहले भी बहुत सारे पेशेंट थे। हम लोग का क्या जो एक्सरे वाले को होता है वो वॉक इन होता है, तो वॉक इन को वो लोग पहले प्रेफरेंस नहीं देते, जिन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट ली रहती है उनको पहले प्रेफरेंस दिया था। तो ठीक है जो भी है हो गया। मुझे वहाँ पर एग्जैक्टली 2 से 2.5 घंटे लग गए, बैठे 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 इंतज़ार करते करते 2 से 2.5 घंटा। फिर फटाफट अंदर जाने के बाद कम से कम 15 मिनट में काम निपट गया था मेरा। तो अभी टोटल हुआ मेरा यहाँ पर कितना हो गया टोटल, ये $157 कुछ। 7-8 एक्सरे लिए उन्होंने, अपर लोअर सारे स्पाइन के। ये हाथ से पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतना दुख रहा है। जो भी है अभी जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ तो ये बेटर है, आराम की सख्त ज़रूरत है। अभी 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर वो लोग मेरी रिपोर्ट डॉक्टर साहब को भेजेंगे और फिर वो बताएंगे मुझे कि इज़ समथिंग सीरियस और नथिंग टू वरी अबाउट। होपफुली नथिंग टू वरी अबाउट ही हो, क्योंकि अगर ज़्यादा सीरियस हो गया तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, काम नहीं कर पाऊँगा तो घर बैठे बैठे बहुत बोर हो जाऊँगा। क्या किया तुमने बैठ बैठ के? सब यूट्यूब चैनल देख लिए मैंने, सब कुछ रेसिपी देख लिया। फाइनली बैक टू पवेलियन घर पे। यहाँ बहुत दुख रहा है यार, फटे दर्द हो रहा है। जब साइड पे लेटा है ना एक्सरे के लिए तो और ज़्यादा दुख रहा था, बट ठीक है अभी पता लग जाएगा कल तक कि क्या हुआ है।